रियासत के कई अजला बशमूल शहर हैदराबाद में पीर की रात से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ जो मंगल की रात तक वक्फे वक्फे से जारी रहा। शहर हैदराबाद में सुबह के वक्त बारिश की वजह से स्कूलों और दफातर को जाने वाले अफराद को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शहर में कई मकामात पर बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम देखी गई। जारिया मौसम में बारिश का आगाज होकर डेढ़ माह का अरसा हो गया, लेकिन रियासत के किसी भी जिले में मामूल के मुताबिक बारिश नहीं हुई। गुज़िश्ता एक हफ्ते तक शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के कई अजला में शदीद धूप और गर्मी की शिद्दत देखी गई थी, लेकिन पीर की रात से शहर के अलावा अजला में भी मुसलसल बारिश की वजह से अचानक दर्जे हरारत में कमी आ गई। बारिश की वजह से अजला में जरई सरगर्मियों का भी आगाज हो गया। अजला करीमनगर, जगतियाल, पेदपल्ली, वरंगल, आदिलाबाद, निजामबाद, मुलुग, निर्मल, नलगुंडा, कामारेड्डी और दीगर अजला के कई मकाम पर पीर की रात से बारिश का सिलसिला जारी है। सबसे ज्यादा बारिश मुलुग जिले के वेंकटपुर, ताड़वाई, ईटू नगरम, गोविंदरावपेट में हर जगह 9-9 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई। वरंगल जिले के नल्लाबेली मंडल में 6 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नमस्कार, आई एम डॉक्टर के नागरत्न, साइंटिस्ट टी हेड, मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैदराबाद। At present, the weather situations indicate that a low pressure lays over Odisha and its adjoining areas of Jharkhand, and this associated cyclonic circulation extends up to 7.6 kilometers above mean sea level. Under the influence of these meteorological features, Telangana is likely to have widespread rainfall during next 2 to 3 days. Today, widespread rainfall over most places, light to moderate rains are likely to occur, and very heavy to extremely heavy is likely to occur at one or two places in Mehboobabad, Warangal, Hanumakonda, Janagaon, Khammam and its adjoining areas, and heavy to very heavy is very likely to occur in Karimnagar, Jaishankar Bhupalpalli, Peddapalli, Mulugu, Bhadradri,